International bands and smartwatches collection with great offers at Minute to Style. Let's go on time with the stylish designer collection. Minute to Style near Martindal Bridge Station Road and Anasagar Circular Link Road, Ajmer. आज क्रिसमस है और क्रिसमस हमारे लिए जैसे जीसस का बर्थ हुआ है उसी तरह से हमारे लिए एक नया जन्म और एक नए जन्म की शुरुआत है जहाँ पर खुशियाँ जॉय ऑफ गिविंग मेन मोटिव होता है क्रिसमस का और जॉय ऑफ गिविंग ही हम एज क्रिश्चियंस फॉलो करते हैं और हम लोग कपड़े मिठाइयाँ सब कुछ शेयर करते हैं आपस में और इसी तरह से आप देख रहे होंगे आसपास की काफ़ी लोग जॉय ये सेलिब्रेट करते हैं इसी से हमारा मसीह जो धर्म है इसकी सिग्निफिकेंस है कि किस तरह हम इस ईसा मसीह की खुशियों को और उसके प्रेम को फैलाते हैं। क्या मानते हो कि कैसा लग रहा था कि इस बार कोविड आधे का था चांद सॉरी कोविड की चर्चाएं चल रही थी तो क्या लग रहा था कि इस बार क्रिसमस बन पाएगा कि नहीं नहीं इस बार पक्का था कि बन जाएगा एंड काफ़ी पॉजिटिव वाइब्स थी कि बन ही जाएगा इस बार सो अच्छा था एंड आई थिंक बहुत अच्छी बात है कि हम इस चीज़ को सेलिब्रेट कर पा रहे हैं साथ में एक अच्छा प्रिविलेज है माई नेम इज़ निशबा हाँ आज का दिन ऐसा है कि हम लोग सांस्कृतिक रूप से ऑल्सो ऐतिहासिक रूप से आज के दिन को ही अपन प्रभु यीशु ख्रिस्त का जन्मदिन के रूप में मनाते हैं 12 बजे रात में प्रभु यीशु का जन्म हुआ था तो उसी को हम अभी सेलिब्रेट करते हैं इसमें क्या क्या होता है आज चर्च में ऐसा होता है कि हम तो सबसे पहले क्रिब बनाते हैं जिसको गौशाला बोलते हैं हिंदी में और बना के रखते हैं तो वहाँ पे प्रभु यीशु का जो जन्मदिन होता है वहाँ से बालक यीशु को उठा करके चरनी में रखा जाता है जिसे चरनी बोलते हैं जहाँ पे प्रभु का जन्मदिन हुआ था वो अपन करते हैं और वैसे ही अपन खुशी के तौर पे डेकोरेशन करते हैं सजावट करते हैं और गाना बजाना खुशी मनाना यही होता है आपका कुछ दिन मैं फादर एलाइस निरंजन सो 25 दिसंबर आप लोगों को सभी को पता होगा क्रिसमस डे होता है जिस दिन हम यीशु मसीह की महिमा करते हैं यीशु मसीह की आराधना करते हैं उनके बारे में जानते हैं प्रार्थना करते हैं ये एक त्यौहार होता है जिस दिन हम एक दूसरे से मिलते हैं जो मन में कुछ द्वेष मनमुटाव कोई एनीथिंग दैट इज़ नॉट गुड इन आवर हार्ट्स वो हम एक दूसरे से क्लियर करते हैं और भाईचारे की भावना के साथ दिल में फिर से प्यार लेकर एक दूसरे से फिर से मिल लेते हैं तो यही वो दिन है जब यीशु मसीह पैदा हुए थे और हमारे बीच में आए थे ये बताने के लिए कि प्यार क्या होता है त्याग क्या होता है और सबसे महत्वपूर्ण क्या है वो है प्यार तो अगर हम एक दूसरे से प्यार करते हैं तो हमारे दिल में क्रिसमस है हमारे दिल में मसीह पैदा हुए क्या मानते हो इस बार मन पाता क्या जिस तरीके कोविड के चांसेस बन रहे हैं कोविड के चांसेस बिल्कुल हैं और उस चीज़ का हमें बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए क्योंकि जिस तरह से पहले हम गुजरे हैं जिस प्रॉब्लम से वो वापस ना हो उसके लिए हमें प्रोटोकॉल्स हमारे मास्क हमारी दूरियाँ बनाए रखनी चाहिए तो ऐसा तो नहीं है कि बिल्कुल मन नहीं पाएगा क्योंकि हम देख रहे हैं कि मन तो रहा ही है बट हाँ अपना ध्यान रखें हाथों को धोए अपने मास्क को पहने और जितना हो सके अपना बचाव करें अच्छा पिए पहने कपड़े वगैरह तो बिल्कुल हम उससे बच सकते हैं और वैक्सीनेशंस के लिए आप ज़रूर जाइए आपका कुछ नेम मेरा नाम है शीबा मैसी और आप सभी को क्रिसमस की हार्दिक शुभकामनाएं आज हम बड़ी हर्षोल्लास के साथ क्रिस्त जयंती यानी यीशु मसीह का जन्मदिन का त्यौहार मनाया इसे रात के 11:30 बजे गिरजा के पूजा पाठ के साथ शुरुआत किया अभी 3-4 साल के बाद इतना बड़ी संख्या में लोग गिरजाघर में आए हमें खुशी की बात है थी सब लोग खुश थे फिर पूजा पाठ हुआ और इसके बाद प्रभु के जन्म प्रार्थना सभा के साथ हुआ काफ़ी लोग हर्षोल्लास के साथ भाग लिया मैटर ऑफ जॉय फॉर ऑल ऑफ अस दैट आफ्टर ऑलमोस्ट 4 years वी सेलिब्रेट ए क्रिसमस विथ वे ग्रेट जॉय एंड गुड नंबर ऑफ पीपल फ्रॉम डिफरेंट part of Ajmer city came and all could meet each other and we on this happy occasion we wish all a Merry Christmas and prosperous New Year 2023 may Jesus who born in a manger who born for whole humanity irrespective of caste creed and religion may touch everybody
May His blessing enable all of us to live in harmony. May our country be blessed. May His blessing be upon each and every citizen of our country. May the good Lord bless all of us. Once again, I wish everybody a very happy Christmas and a prosperous New Year 2023. Thank you. किस तरह का डर लग रहा था कि क्रिसमस बन पाएगा क्या नहीं, जैसे चाइना में वापस से कोरोना की जैसे स्थिति हो रही है? आखिरी बार में हमारे मन में थोड़ा संदेह था क्या अचानक सरकार ने लॉकडाउन लेके आए, फिर भी हमको मालूम था कि ऐसे नहीं करेगा, नया साल तक तो सरकार नहीं करेगा। पुराने पार्ट से सरकार ने कुछ सीखा है कि इस बार तो इसे इतना जल्दी से नहीं होगा। हमको हमारा विश्वास था कि प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए मौका देगा कि एक साथ आकर ये उनका जन्मदिन मनाए। आपका गुड नेम? आई एम फादर जोसेफ।